जनपद अल्मोड़ा में पालिका को नगर निगम बनाने की घोषणा के बाद बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां चुनावी मोड़ पर आ गई हैं। इसी को लेकर नगर निगम में मेयर और पार्षदों के दावेदारी और चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने बैठक आयोजित की। आयोजित बैठक के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा कि नगर निगम बनाने की घोषणा के बाद मेयर पद के लिए अब तक 18 उम्मीदवार सामने आए हैं, जबकि पार्षदों को चुनावी सिंबल बांटा जा रहा है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। आज हमने जो हमारा अल्मोड़ा जो पहले नगर पालिका थी, अब वो नगर निगम बन चुकी है और आप वार्डों की संख्या भी हमारी 13 से जो है 40 पहुंच चुकी है। तो उसी को लेकर जो है आज हमने ये बैठक आयोजित की है और उस बैठक में कितने हमारे जो वार्ड मेंबर के इच्छुक हैं उन लोगों से भी पूछा गया कि कौन कौन जो है वार्ड से मैं अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ ही इससे पूर्व भी हमने जब नगर पालिका यहाँ पर थी, नगर निगम नहीं बना था, तब भी हमने अपने दावेदारों के नाम मांगे थे। उसी समय जो है हमारे जो टोटल दावेदारों की संख्या हर आरक्षण को लगाकर जो है 18 दावेदार के आसपास जो है नगर निगम के अध्यक्ष पद के लिए, नगर निगम के लिए आए थे, मेयर के पद के लिए आए थे। और आज पुनः हमने जो है एक बैठक फिर आयोजित की है और कैसे हम चुनाव में जाएँ और अपने बातों को जो है भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां हैं उनको लोगों के पास कैसे पहुंचाएं, इन सभी बातों को लेकर जो है आज हमने बैठक आयोजित की है। और आज हम किस तरह से जो हमारे जो 40 वार्ड बने हैं उन वार्डों में हमारे क्या स्थितियां रहेंगी, कैसे चुनाव लड़ा जाए, उसी को लेकर जो है रूपरेखा तय की गई।